महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप लोगों हमारे विशेष कार्यक्रम महकता आंचल मके। मैं तो एकदम ठीक ठाक छू और उम्मीद करूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होने ला। मैं छू आप लोगों रेडियो साथी ऋतु आर्या और फिर बेटी हाजिर है गयू लिबे कार्यक्रम महकता आंचल। श्रोताओ, वास्तव में कह ली सच्ची कह रहा ने कि जो बचपन छ वो कभी लौट बे नॉन, फिर चाहे हम कतु के कोशिश कर लू आखिर बचपन बचपन हो। किला की बचपन जो छ हर सुख दुख बटी अनजान हो और जिसके धीरे धीरे हम जीवन पड़ाव में अगल के बढ़ते जानू तो धीरे धीरे जीवन हर पहलू थे बटी हम रूबरू हनु। अगर मैं बात करूँ महिलाओं तो 10 साल बाद उनर जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगू और एक साथ जुड़ी छ महिलाओं जीवन का एक अहम हिस्सा यानी मासिक चक्र या फिर हम कहूँ महावारी, जो एक महिला के माँ बनने के लिए परिपूर्ण करूँ। महावारी अक्सर 12-15 साल बीच में शुरू है जाए और कभी कभी 10 साल बने शुरू है जाए। अक्सर किशोरावस्था पार करने के बाद नव यौवन में प्रवेश करने वाली महिलाओं में या फिर जो नन्ना शिशुओं माँ है जैन उन महिलाओं में अक्सर अनियमित महावारी की शिकायत है और जैल महिला बहुत ज्यादा परेशान ले रहे हैं और परेशानी बावजूद ले वो उन परेशानियों के झेलते रहे और कहीं थे कन ले रहे। तो किले ने आज मिलनू ये महिलाओं थबटी जिन्होंने अनियमित महावारी शिकायत छ। क्या आपके नियमित रूप में महावारी है या फिर महावारी दौरान कोई परेशानी आपके है? नियमित रूप में क्या है, कभी कभी मैं महन में दीवार ले हो जाऊँ, कभी कभी बहुत पछिल रहा हूँ पछबेर रहा हूँ, 10 दिन 5 दिन बाद में लहूँ, कभी महन में दीवार ले हो जाऊँ, मगर बहुत परेशानी मतलब बहुत हुए, पेट में दर्द हूँ कमर दर्द हूँ और कभी कभी ब्लैडिंग ले ज़्यादा हो जाए जैकविल, मगर बहुत परेशानी हुई कमजोरी जैसे महसूस है बार ले हूँ और कभी महन में होनी नहीं हुई क्विल, मगर बहुत चिंता जैसे हो जाए परेशान हो जाऊँ मैं कि अस्किला होना होने या कभी कभी लागो शायद यह शरीर कमजोरी हुई लुनहेल कभी अगिल कभी पचिल हो जो तस्के। शुरू शुरू में आप जदिन के ब्याग्त क्या सही हुए झर महन में या उसका हुई छिले अगिल पचिल या क्या दो दिन अगिल पचिल हो जाए, लेकिन आप बाद में बहुत कभी अगिल ले हुई कभी पचिल हो जाए कभी महन में दीवार ले हो जो मैं कभी डॉक्टर के नहीं दिखाया क्या? डॉक्टर का सोचना बहुत बार की कभी आप एकदम पहले झिझक जैसे लगे डॉक्टर के कहने से ना कभी सोचना कोई महिला डॉक्टर के कूल सोचना तस कभी ध्यान में जो है बात न रहना और भूल जो है जनो फिर ज्यादा सोचना आप चलो होने ला रहा होने जो सोच दिनों फिर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। महामारी से जुड़ी कोई समस्याएं हैं आपकी? बहुत सारी समस्याएं, सबसे पहले चीज तो मुझे डेट समय पर नहीं आती है और जो मेरी डेट होती है जो मेरे फिक्स दिन होते हैं उस दिनों में तो कभी भी नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं आज 15 तारीख को होती हूँ तो मैं इंतजार करती हूँ मैं अगले महीने 15 तारीख या 14 तारीख या उससे एक दो दिन आगे पीछे, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं कभी भी उस डेट में नहीं होती हूँ। मैं उससे 10 दिन पहले हो जाऊँगी या उससे 10 दिन बाद में हो जाऊँगी और कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं एक महीने में 2-2 या 3-3 बार हो जाती हूँ। अच्छा, ये बताओ ये ऐसा कब से हो रहा है, क्या शुरुआत से होता है या फिर अब अभी आपके साथ हो रहा है? नहीं, शुरुआत से तो मेरा पीरियड टाइम बहुत अच्छा था, सही चल रहा था, सिर्फ मुझे बहुत दर्द होता था पीरियड टाइम पे तो मैं दवाई खा लेती थी और उससे मेरा दर्द ठीक रहता था, फिर उल्टियाँ भी होने लग गई, फिर धीरे धीरे मैंने अपना जब इलाज करवाया मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके यूट्रस में जो है इन्फेक्शन हो गया है गंदगी की वजह से। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने ध्यान दिया और फिर मैंने दवाइयाँ ली तो और डॉक्टर ने बोला था कि आप रूटीन चेकअप करवाते रहिएगा। मैंने एक ही बार चेकअप करवाया, फिर मैंने नहीं दिखाया, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ये 2-4 महीनों से ये हो रहा है कि एक महीने में 2 या 3 बार महावारी हो जा रही है और मेरे ऐसे टाइम से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ ना, मेरा मन लगता है हर टाइम टेंशन जैसी लगी रहती है, क्योंकि मैं आए दिन पढ़ते रहती हूँ कि अनियमित महावारी से हमारे आने वाले ज़िंदगी में इससे कैसे प्रभाव होता है। नमस्कार। अनियमित महावारी में मैं अपन कुछ अनुभव बांटना चाह, मेरे आयल उम्र लगभग 22-23 साल छ और मगे 1-2 सालों बटी महावारी कुछ अगिल पछिल होने पर
पहले तो सही टाइम में होची जिसके अगर मैं महीन में 15 तारीख का महावारी छ तो हर साल हर महीन 15 तारीख होची, लेकिन ये एक दो साल बटी पत्तो ने किले जिसके 15 तारीख अगर मेरी महावारी तारीख छ तो मगे कभी 30 तारीख हो जाए, कभी 1 तारीख हो जाए, मतलब मगे अंदाज न होने उसके रहो न। और कभी कभी एक एक महीने तक मैं महावारी ले नहीं, जैक वेल में बहुत परेशान ले रहूँ जिसका बहुत चिड़चिड़ापन जल हो जाऊँ, घर में दिगड़ लड़ाई वगैरह लो हो जाए, मतलब बहुत गुस्सा हो यह टाइम में कि यश किलो होना महावारी मगे किले न होने। उसके मैं हम तो अक्सर महावारी बारे में कहेंगे कौन नहीं, लेकिन फिर जब मके बहुत समय तक महावारी अगिल पचिल है तो मैं अपन एक मेस दोस्ती से होगा पूछा यश के लहन होने तब कह कि कभी कभी जब हम क्या की टेंशन हुई या हम क्या ही परेशान वगैरह होनो तब ले महावारी अगिल पचिल हो जाए। फिर मेरे को यार हो चुको मैं अचानक बहुत ज़्यादा परेशानी लगा, पढ़ाई टेंशन से और टेंशन से शायद एक भी अगिल पचिल होने होने ले, तब मैं डॉक्टर के लिए दिखा मेरे को कि जो डॉक्टर तेरे पास खाल फिर उन लोग क्या ही दवा है दिया या क्या ही काल, तब मैं गई नहीं मैं दिखाई नहीं। तो दोस्तों सुना आप लोगों दिल बैरिया आखिर की कने छेन, अक्सर यो माह में कभी कभी दो बार या फिर कभी कभी एक बार हूँ या फिर कभी डेढ़ महीने में एक बार हूँ, यानी कि नियमित न रन, पर कभी कभी कोई गर्म चीज खा ली तो मासिक धर्म शुरू है जा। और हाँ यो 28 दिन अंदर ना हो या फिर बहुत कम मात्रा में हूँ तो बहुत ज्यादा कष्टदायी हूँ तो उठके अनियमित महावारी कही जा, जबकि मासिक चक्र महीने में एक बार हूँ और सामान्यतः 28/32 दिनों में एक बार हूँ, हालांकि मासिक धर्म का समय 3/5 दिन करूँ परंतु 2/7 दिन के अवधि सामान्यतः मैनी जाए, यानी कि 2/7 दिन अंदर अगर रक्तस्राव होना तो वे सामान्यतः मैनी जाए, पर कई महिलाओं में यह बहुत दिन तक का हूँ। आखिर क्या कारण छे अनियमित महावारी, तो चलनु सिद्ध बातचीत करने के लिए डॉक्टर के पास। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। तो मैम आज मैं बात कर रही थी महावारी को लेके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अनियमित महावारी के क्या कारण है। अच्छा, अनियमित महावारी के तो वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर अंदरूनी देखा जाए तो हार्मोनल का इम्बैलेंस हो सकता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस, जो कि मेन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसको रेगुलेट कर देते हैं, और हार्मोनल प्रॉब्लम से होता है। और जैसे किसी का वजन बहुत ज्यादा है या वजन बहुत ही कम है तो इन महिलाओं को भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होता है। इसके अलावा अगर खान पान में ध्यान नहीं दिया, बहुत कमजोर है, तो इनकी वजह से भी होता है। और उसके अलावा कभी होता है कि ओवरी में किसी को प्रॉब्लम होती है, ओवरी में बहुत सारी डिजीजेज होती है, और हो सकता है कि बच्चेदानी में कोई बीमारी हो या उसमें अंदर कोई फाइब्रॉइड या सिस्ट हो तो उसकी वजह से भी अनियमितता होती है। जी, जैसे अनियमित महावारी होती है एक महिला को तो क्या इससे उसको भविष्य में कोई परेशानियां हो सकती हैं कुछ? हाँ, अगर अनियमितता अगर ये ओवरी की परेशानी या बच्चेदानी में कोई डिजीज की परेशानी की वजह से अगर हो रहा हो तो आगे प्रॉब्लम होती है, जैसे ओवरी में अगर ओवरी अंडाशय में अगर कोई प्रॉब्लम है, सिस्ट है या कुछ है, तो उसके आगे जा करके बच्चे होने में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, और उसी तरीके से अगर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो उसकी वजह से भी आगे बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी अगर वजन ज्यादा है या वजन कम है या खान पान से तो उससे उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती, अगर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है या हार्मोन्स की वजह से हो रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है। जी, तो मैं अनियमित महावारी हो ही ना, इसके लिए हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? अभी अनियमितता जैसे अगर किसी को बीमारी है तो उससे तो हम जैसे किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है वो तो हम नहीं प्रिवेंट कर सकते, उसके लिए फिर हार्मोनल टेस्ट करके दवाई खानी पड़ती है। उसके अलावा डाइटरी हम डाइट अच्छे से खाएं, ज्यादा प्रोटीन आयरन फॉलिक एसिड ज्यादा खाएं, वेट मेंटेन करें, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, तो इससे हम बच सकते हैं खान पान से और थोड़ा एक्सरसाइज करके हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर की बातुल आयल बहुत सारी चीज साफ अगे छेन, जिसके आफुला जानचा ज्यादातर महिलाएं अनियमित महावारी के लिए परेशान रह छेन। और दूसरी बात यह सर में या फिर झिझक का कारण वो कई थे कन लेने अपन समस्या के बतून में बहुत शर्मानी, खासकर कुंवारी लड़कियों में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने हिंग मिले, जो अगिल के चल बेर भविष्य में कई खतरनाक रूप ने ले लियो या फिर कोई फुल समस्या में न बदल जो, शायद इन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी अपन स्वास्थ्य बटी जुड़ी हर छोटी छोटी बातों ध्यान धरन, और जमा के स्वस्थ रहने के लिए कभी कभी संगीत सुनने लग बहुत जरूरी है जा। तो सुनू आपो के एक कुमाऊनी गीत। घासे कटाना झूलो को दीदी, घासे कटाना
तो श्रोताओं, हमार खान पान, हमार दिनचर्या अनियमित महामारी पर बहुत ज्यादा असर पड़ो, तो आज जरूरत अपन खान पान और अपन दिनचर्या के सवारनक और सुधारनक। तो आज कार्यक्रम बटे जुड़ी जानकारियां आप लोग को भल लगने लीन, फिर मिनुल कोई दूसर कार्यक्रम में गए, तब तक के लिए जीत दिया अपन रेडियो साथी ऋतु आर्या के इजाजत, नमस्कार।